मिस्टुबुशी शक्ति वीटी 224 1D ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, जो ट्रैक्टर एक 22 हॉर्स पावर का मिनी ट्रैक्टर है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 22 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। ये जो ट्रैक्टर आपको केवल फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ मिलता है, इस ट्रैक्टर में आपको टू व्हील ड्राइव वेरिएंट नहीं मिलता है, क्योंकि मिनी ट्रैक्टर जो होते हैं फोर ड्राइव वेरिएंट वाले ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसलिए कंपनी जो है इसे फोर ड्राइव वेरिएंट के साथ देती है। और इस ट्रैक्टर में जो आपको मिस्टुबुशी कंपनी का इंजन देखने को मिल जाता है, मिस्टुबुशी कंपनी जो इंजन के मामले में काफी बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि इनके जो इंजन है एवरेज काफी बढ़िया देते हैं, काफी अच्छा टॉर्क जनरेट करते हैं और परफॉर्मेंस के मामले में वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। भले ही ये 22 हॉर्स पावर का मिनी ट्रैक्टर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये ट्रैक्टर जो आपको बजट में मिल जाता है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 3.5 लाख से लेकर तकरीबन 3,60,000 के बीच में रहती है कीमत जो इस ट्रैक्टर प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होती रहती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग कीमत होती है। तो मैंने जो आपको कीमत बताई है उससे आपको एक अप्रोक्स आइडिया लग जाएगा कि तकरीबन इस प्राइस रेंज में जो है ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जो ट्रैक्टर 22 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर में आपको मिस्टुबुशी कंपनी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया माना जाता है, काफ़ी फेमस ही कंपनी इंजन के मामले में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर इंजन के सिलेंडर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के इंजन में आपको 4 स्ट्रोक ओवरहेड वाल्व वाला इंजन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर इंजन की कैपेसिटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 980 CC की पावर जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर के इंजन के RPM की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 3000 RPM जनरेट करता है। मैक्सिमम टॉर्क की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 54 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, काफी अच्छा टॉर्क जो इस ट्रैक्टर इंजन जनरेट करता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के बोर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 73 mm का बोर साइज देखने को मिल जाता है। स्टॉक के साइज की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको 78 mm का स्टॉक का साइज देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के एयर फिल्टर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम वाला इंजन देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया तरीके से इस ट्रैक्टर जो इंजन डिजाइन करा गया है, टॉर्क जो इस ट्रैक्टर का इंजन काफी अच्छा जनरेट करता है, और इस ट्रैक्टर जो इंजन है खेती के मामले में काफी दमदार माने जाते हैं। भले ही एक मिनी ट्रैक्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस ट्रैक्टर को लोड पर भी यूज करेंगे तो ट्रैक्टर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल फ्रिक्शनल प्लेट वाली क्लच देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको कॉन्स्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर गियर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे तक से लेकर तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक से भाग सकता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर रिवर्स स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे तक से लेकर तकरीबन 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे तक से भाग सकता है। तो काफी अच्छी फॉरवर्ड और रिवर्स स्पीड जो ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको इंटरनल एक्सपेंडिंग शू टाइप ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर टर्निंग रेडियस के बारे में, तो विद ब्रेक जो ट्रैक्टर टर्निंग रेडियस है वो तकरीबन 2400 mm। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो वो तकरीबन 500 किलोग्राम। इस ट्रैक्टर में आपको 3 पॉइंट लिंकेज वाली लिफ्ट देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग ही मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि एक बजट माना वाला ट्रैक्टर है और एक 22 हॉर्स पावर का मिनी ट्रैक्टर है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको पावर स्टीयरिंग की जरूरत पड़ेगी। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 18 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक 22 हॉर्स पावर के मिनी ट्रैक्टर के सबसे सफिशिएंट है, और वैसे भी इस ट्रैक्टर जो इंजन है एवरेज काफी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर पीटू के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटू के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्प्रिंग शाफ्ट वाला पीटू टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटू के RPM के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटू तकरीबन 692 RPM जनरेट करता है और 1020 RPM जनरेट करता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटू के हॉर्स पावर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटू तकरीबन 19 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। काफी दमदार पीटू जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इस ट्रैक्टर पीटू की मदद से आप रोटावेटर, स्प्रेइंग मशीन और छोटे थ्रेशर वगैरह जैसे कई सारे इंप्लीमेंट्स काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 5x12 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8x18 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जो ट्रैक्टर आपको केवल 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ ही मिलेगा, इस ट्रैक्टर में आपको 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट नहीं मिलता है। वैसे ही मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है, अगर आप मिनी ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं तो आप 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ ही लीजिएगा, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट वाले जो मिनी ट्रैक्टर होते हैं जमीन से पकड़ बना के चलते हैं, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, स्लिप नहीं होता, काम काफ़ी ज़्यादा निकालते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के डायमेंशन वेट के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर टोटल वजन के बारे में, तो वो तकरीबन 740 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की हम बात करें वो तकरीबन 2540 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर बात करें वो तकरीबन 1085 mm। व्हील बेस की अगर बात करें वो तकरीबन 1420 mm। ग्राउंड क्लेज की अगर बात करें वो तकरीबन 190 mm। तो काफ़ी बढ़िया ओवरऑल साइज जो इस ट्रैक्टर का दिया गया है। और अगर आपको लगता है VST मिस्टुबुशी शक्ति
VT 224 ट्रैक्टर अगर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा तो आप इस ट्रैक्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर में भी आपको काफी बढ़िया इंजन मिल जाता है। ट्रैक्टर जो काफी अच्छे तरीके से VST कंपनी ने बनाया है, काफी अच्छी इंजीनियरिंग जो इस ट्रैक्टर में यूज करी गई है, तो ये ट्रैक्टर भी आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल किसान भाई, ये थी जानकारी VST मिश्र भूषी शक्ति VT 224 1D ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ।